नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि श्रीवास्तव। वर्षों से 30 करोड़ की लागत से बनकर तैयार 100 शैया महिला अस्पताल चालू न होने से लोगों की उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। नगर पंचायत हरैया में महिला अस्पताल के शिलान्यास होते ही क्षेत्रीय लोगों में उम्मीद जगी थी कि अपने शहर में मिलेगी अच्छी चिकित्सा, लेकिन अभी तक चालू न होने से लोगों की उम्मीदें अब टूटती नजर आ रही हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति की कमी के कारण अस्पताल अभी तक चालू नहीं हो सका। लोगों को आज भी दूरदराज के शहरों में जाकर इलाज कराना पड़ रहा है। हरैया में जो हम लोग का 100 बेडेड अस्पताल है वो लगभग तैयार है। उसमें अभी जो मैन पावर का टेंडर होना है वो शेष है। उसको अतिशीघ्र कराने के लिए सीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है और ये प्रयास रहेगा कि अगले एक माह में हरैया का जो 100 बेड अस्पताल है वो तैयार हो जाए। इसमें हमें ये कहना है कि जब ये अस्पताल का उद्घाटन हुआ तो हम लोगों के मन में इतनी खुशी हुई कि कम से कम चलो हमारे हरैया में इतना बढ़िया हॉस्पिटल बन रहा है जो कम से कम यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर तक नहीं, क्षेत्र की जनता को इसका इतना सीधा लाभ होगा जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हमारे शासन प्रशासन में या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होने की वजह से ये ऐसी कौन सी बात हो गई है कि ये चालू नहीं हो पा रहा? और इस संबंध में हमारे माननीय सांसद महोदय, विधायक जी ना कोई पहल कर रहे हैं, ना शासन प्रशासन कोई पहल कर रहा है। इससे क्षेत्र की जनता में बहुत रोष है। वर्ष 2016 में जब सपा की सरकार थी तो इस अस्पताल का शिलान्यास हुआ। इससे बहुत बड़ी आशा जागी कि कम से कम अब फैजाबाद और बस्ती लोगों को नहीं जाना पड़ेगा। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय हमारे सांसद जी एवं विधायक जी विकास पुरुष कहे जाने वाले लोग हैं, वो विकास कर भी रहे हैं, लेकिन इन लोगों का इस अस्पताल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अधिकारी नहीं दे रहे हैं कि नेता नहीं दे रहे हैं। कहां से फंसा हुआ है, किस विभाग में, कहां कितना कमीशन और भ्रष्टाचार के तहत इसको क्यों नहीं चालू कराया जा रहा है? यदि यही चालू हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कितनी उम्मीदें थी आपको इस हॉस्पिटल से? बहुत बड़ी उम्मीद थी। किसानों के मसीहा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की 25वीं पुण्यतिथि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि चौधरी साहब ने गांवों के विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ अन्नदाता किसानों को जोड़ने का उल्लेखनीय कार्य किया है। इसके अलावा चौधरी साहब के जन्मभूमि में रामावला चीनी मिल को पुनर्स्थापित किया जाएगा, साथ ही मंडरेवा व पीपराइच की भी चीनी मिलों को पुनर्स्थापित करके चलाया जाएगा। इसके अंदर और देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से और एक किसान के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य अभूतपूर्व रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां आगे बढ़ रहा है, वहीं प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का भी अभूतपूर्व कार्य विगत 5 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया। कोरोना कालखंड में भी प्रदेश के 119 चीनी मिलों का चलना, अब तक 1,73,000 करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाना, चौधरी साहब की कर्मभूमि छपरौली की रमाला चीनी मिल को नए सिरे से स्थापित होकर के संचालित करना हो, या फिर मुंडेरवा की चीनी मिल और पिपराइच की चीनी मिलों को नए सिरे से बना करके उनके संचालन का हो। बीते कई दिनों से ताजमहल को लेकर चल रहे विवाद में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। आपको बता दें कि आगरा के मशहूर इतिहासकार राजकिशोर राजे ने ताजमहल परिसर में शुक्रवार को होने वाली नमाज को लेकर ASI दिल्ली से RTI के तहत जवाब मांगा था। उन्होंने सवाल में पूछा था कि ताजमहल परिसर में होने वाली नमाज की अनुमति किसने और कब दी। आपको बता दें कि इसके जवाब में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने पास जानकारी ना होने की बात कही है।
अलीगढ़ में पुलिस के भेस में नकली पुलिस बनकर चोरों ने सभी हदें पार कर दी हैं। बता दें कि मामला नगर के सिविल लाइन्स इलाके का है, जहां चार आरोपी पुलिस बनकर लगातार लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देते थे, जिसका पुरावा के पास के लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। जिसके बाद पुलिस ने चार फर्जी पुलिस को धर दबोचा, तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने का कड़ा, मोबाइल के साथ लूट में इस्तेमाल होने वाले वाहन भी बरामद किए हैं। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष तुलसीपुर फिरोज अहमद की हत्या की साजिश में जेल काट रहे पूर्व सांसद रिजवान जाहिर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीते दिन पुलिस ने पूर्व सांसद के ऊपर गैंगस्टर के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रशासन ने पूर्व सांसद को उत्तर प्रदेश के टॉप 10 गैंगस्टर आरोपियों की सूची में डाल दिया था। इसी के तहत उनकी तुलसीपुर से लखनऊ स्थित करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी जब्त की गई थी। हरदोई में एक बस और बाइक की जोरदार भिड़ंत का मामला सामने आया है, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। खबरों की माने तो अनियंत्रित रफ्तार ने सामने से आ रहे बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि हादसा इतना भीषण था कि इसमें दोनों वाहन धू धू कर कर जलने लगे। बस थे, उसमें बराती थे, वो कछौना से संडीला की तरफ जा रहे थे, तो अचानक से एक मोटरसाइकिल चालक उनसे टकरा गया, इससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई है और बस में इस दौरान आग लग गई। सारे बाराती सुरक्षित हैं, उसमें केवल एक व्यक्ति घायल हुए, जिसे CSC भेजा गया है और मौके से फायर ब्रिगेड बुलवाकर उस बस की आग बुझाई गई है। कोई लॉ ऑर्डर नहीं है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। आग कैसे लगी, इस बारे में कुछ जानकारी हो? इसकी जांच कर रहे हैं कि कैसे आग लगी, आगे जानकारी दी जाएगी। खबर कन्नौज से है, जहां बदमाश बेखौफ तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में बाइक सवार दो बदमाशों ने ड्यूटी से घर जा रहे होमगार्ड के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीलीभीत के अमरिया क्षेत्र के सैरनी तिनकिया गांव की एक नदी में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि यह शव एक महिला का है, लेकिन अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देवबंद के ईदगाह मैदान पर चल रहे जमीयत उलमा ए हिंद की राष्ट्रीय प्रबंधन कमेटी के दो दिवसीय इजलास की शाम 8 बजे से आयोजित हुई दूसरी बैठक में जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख और दारुल उलम देवबंद सदर उल मदरसीन मौलाना सैयद अशरद मदनी शामिल हुए हैं। इस दौरान पंडाल में पहुंचने पर जमीयत उलमी ए हिंद के अध्यक्ष व पूर्व सांसद मौलाना महमूद मदनी ने मौलाना अशरद मदनी का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मौलाना सैयद अशरद मदनी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारी लड़ाई हिंदू भाइयों से नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे उन लोगों से है जो धर्म के नाम पर देश को बर्बाद कर रहे हैं। मुल्क की आजादी से पहले और मुल्क की आजादी के बाद मुख्तलिफ मुश्किलात और मसाइल की जिंदगी रही है, लेकिन मैं आप हजरात के सामने इस बात को रखना जरूरी समझता हूँ कि उन हजरात ने जिनको अल्लाह ने बड़ी बसीरत अता फरमाई थी, हमारे वो अकाबिर जिन्होंने कैदोबंद की मुसीबतों को हंसते खेलते बर्दाश्त किया था, मुल्क की आजादी के बाद जिन मसाइल से मुस्लिम आबादियत दो चार हुई, उन मसाइल का मुकाबला करने में वो लोग कभी सड़कों पर नहीं। लोगों को सस्ता सोना देने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर गैंग का गोरखपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, यह गैंग लोगों को सस्ता सोना देने के नाम पर अपने झांसे में फंसा लेता था। हालांकि पुलिस ने इस गैंग के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
जी थाना कैंपियरगंज क्षेत्र में परसों एक घटना घटित हुई जिसमें कि छत्तीसगढ़ से आए एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करके उससे 8 लाख रुपए ले लिए गए। इसमें उस व्यक्ति द्वारा 2 व्यक्तियों और अन्य 4 अभियुक्तों के खिलाफ एक नामजद तहरीर दी गई जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करके पुलिस तत्काल एक्शन में आई और इसमें पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए लगभग 6 लाख रुपये बरामद किए हैं और करीब 250 के करीब नकली सोने के सिक्के बरामद किए हैं और 3 बाइक बरामद की है जो कि घटना में प्रयुक्त की गई थी। इसमें जब अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो जानकारी में आया कि पीड़ित से एक व्यक्ति साधु के वेश में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मिला। खबर गाजियाबाद शहर के अशोकनगर से है जहां के निवासी अंशुल वर्मा की 10 साल की बेटी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया। आपको बता दें कि आराध्या ने मात्र 60 सेकंड में दुनिया के 23 बड़े शहरों के कठिन नाम सुनाकर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपने मम्मी पापा समेत दादी को भी दिया है। उत्तर प्रदेश शासन ने 7 जिलों के पुलिस कप्तान समेत 11 IPS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। बुलंदशहर, देवरिया, अंबेडकर नगर, कानपुर आउटर, हमीरपुर, मैनपुरी और रायबरेली में नए पुलिस कप्तान की तैनाती की गई है। वहीं वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में तैनात अपर पुलिस आयुक्त अनिल कुमार सिंह को हटा दिया गया है। ताजनगरी आगरा में बदलते मौसम के मिजाज से मौसम खुशनुमा हो गया है। आपको बता दें कि 45 डिग्री के तापमान से बदलते मौसम ने लोगों को राहत दी है। गौरी बाजार थाना के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब लोगों ने ट्रेन से कटा एक किशोर का शव देखा। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन इसकी जानकारी पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। सहारनपुर देवबंद में जमीयत के अधिवेशन के दूसरे दिन आज कॉमन सिविल कोड पर प्रस्ताव रखा गया है। इस दौरान मौलानाओं ने कहा कि कॉमन सिविल कोड किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौलाना असद मदनी ने कहा, कितना कुछ सहने के बावजूद हम चुप हैं, यह हमारे सब्र का इम्तिहान है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि हमारा खाना पहनना नहीं पसंद तो हमारे साथ मत रहो, कहीं और चले जाओ। आपको बता दें कि अधिवेशन के पहले दिन देश में नफरत के बढ़ते हुए दुष्प्रचार को रोकने के उपायों पर विचार किए जाने और इस्लामोफोबिया की रोकथाम के विषय में प्रस्ताव और सुझाव प्रतिनिधियों के सामने रखा गया है। शाहजहांपुर एसओजी और थाना सदर बाजार पुलिस ने लिफाफा गैंग के सरगना खुर्शीद खान समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पकड़ा गया गैंग पिछले 2 महीने से लगातार शाहजहांपुर के रोडवेज, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के आसपास के यात्रियों को कम दामों में अपनी कार में बिठाकर उनसे ठगी का काम किया करता था। वहीं पुलिस ने इनके पास से ठगी किए हुए करीब 2 लाख की कीमत के सोने के आभूषण समेत मोबाइल और घटना में इस्तेमाल होने वाली कार को भी बरामद किया है। अगली खबर फरुखाबाद से है जहां गर्मी में प्यास से तड़पकर गौशाला में गाय की मौत हो गई है। खबरों की माने तो दर्जनों गाय बीमार भी चल रही हैं। वहीं स्थानीय निवासियों की माने तो शमशाबाद विकासखंड के पास स्थित इस गौशाला में ना तो कोई भी अधिकारी आता है और ना ही कोई गौ सेवक आता है। अब खबर उत्तराखंड से जहां रानीखेत में काल सैयद बाबा का 48वां उर्स मुबारक का समापन हो गया। देर शाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मजार में चादर पोशी की, साथ ही उन्होंने देश में अमन चैन की दुआ मांगी है। इसके अलावा उन्होंने लंगर में पहुंचकर प्रसाद वितरित भी किया। पूरा जीवन यहीं बीता है और जब बचपन में मैं बहुत शैतान होता था तो मेरी माँ हर बृहस्पतिवार को कालू सैयद बाबा के यहाँ मुझे लेके आती थी। 48वां
कोर्स है बाबा से काली सैद बाबा का, उसमें मुझे शिरकत करने का मौका मिला। मैं देर से पहुंचा हूं, मैं उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूं, लेकिन अपने घर आकर काली सैद बाबा के आंगन में आकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही। इतने ज़्यादा भक्तगण हैं, उनसे मैं आदरपूर्वक विनयपूर्वक उनसे निवेदन करता हूँ कि सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाए, अपना फैज सभी के ऊपर बरसाए। चार धाम यात्रा में इस बार उम्मीद से ज्यादा यात्रियों के आने की स्थिति में चार धाम यात्रा का संचालन चरमरा गया है। अगर बात करें श्रद्धालुओं की, जो लोग चार धाम यात्रा के लिए 1-2 हजार किलोमीटर से ऋषिकेश पहुंचे हैं, वह लोग 10 दिन से यहां पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने यात्रा के डेट पर जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कुछ यात्रियों का कहना तो यह है कि सरकार की कमी हमें झेलनी पड़ रही है, हम सुबह से लाइन में लगे रहते हैं लेकिन जब खिड़की पर पहुंचते हैं तो हमें मना कर दिया जाता है। इसके अलावा यात्री खुले आसमान में सोने पर भी मजबूर है। प्रॉब्लम क्या आ रही, सवेरे अगर प्रशासन मना कर देता या अनाउंसमेंट किसी तरह कर देता तो इतनी सारी पब्लिक परेशान है, तो यहाँ लगती नहीं लाइन में। अब यहाँ से लंबी इतनी लाइन लग के और वहाँ तक बैरिकेडिंग तक पहुँच गए, उसके बाद कह देते हैं कि अब कुछ होना ही नहीं है। कह रहे हमने तो आपको लाइन में नहीं लगाया था, आपने अगर अनाउंसमेंट किसी तरह किया होता तो हम खुद ही लाइन में नहीं लगते। क्यों पागल हैं क्या, जो पानी की बोतल एक पी गए सुबह से 4 बजे के लगे हुए, जब मौसम ठंडा है, अगर कहीं गर्मी में हो तो मर जाएं। लेडीजों की इतनी परेशानी, उनकी कोई लाइन की व्यवस्था नहीं है, वो क्या है, कोई सिस्टम, कोई भी सिस्टम का किसी तरह का उसमें वो नहीं है ध्यान। बस आते हैं सीटी बजा के चले जाते हैं, लेडीजें बेचारी आदमियों के बीच में बेच रही हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। इतने दूर से आ रहे हैं, लौट रहे हैं, अगर आपको मना करना है सुबह से अनाउंसमेंट कर दीजिए, ना अनाउंसमेंट की व्यवस्था ना किसी की व्यवस्था। सुबह 4 बजे से लगे खाली पेट की भैया टिकट मिल जाए, यात्रा चालू हो जाए, और आके वो कह रहे कि हटो, चले घर की सरकार हो इनके। हमें क्या लगता है, बिल्कुल फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, एक पैसे का वो नहीं है इधर। किसकी गलती, प्रशासन की गलती है और किसकी गलती है? प्रशासन अगर अपने हाथ में ले कानून तो तरीके से चलाए ना, फिर जो आज यार नहीं चला पा रहा तो मना करे। अंकल जी जो आज आ रहा यार नहीं चला पा रहा तो मना कर दे, हम तो अपने सीधे चले जाए दर्शन करने के लिए। काय के लिए, फिरोजाबाद से आए हैं, जिला फिरोजाबाद से हम 3 लोग आए हैं। हरिद्वार की ज्वालापुर स्थित रेजिडेंशियल कॉलोनी जोर्स कंट्री के स्विमिंग पूल में डूबकर 8 साल के बच्चे की मौत के मामले में 1 महीना बीत गया है, लेकिन अभी तक परिजनों को न्याय नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि इस वारदात को पूरा 1 महीना होने के बाद परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए हैं। परिजनों का कहना है कि 1 महीने बीतने के बाद भी उन्हें अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कोई कॉपी नहीं दी गई है। यही नहीं, मामले की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी बिठाई गई थी लेकिन अभी तक इंक्वायरी शुरू भी नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस द्वारा की जा रही जांच के मामले में अधिकारी लंबी छुट्टी पर गए हुए हैं। आपको बता दें कि 1 महीने पहले 28 अप्रैल को जोर्स कंट्री के स्विमिंग पूल में गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। 28 मई की शाम को बच्चा जिमनास्ट सीखने गया हुआ था। जितनी जल्दी हो सके हमारे इस मामले पर सुनवाई हो और सीएम साहब तक हमारी ये बात पहुंच करके जिसका उसके ऊपर जो भी वो उचित समझे इसकी कार्रवाई के लिए वो करे जल्द से जल्द। उनका चौधरी जो कि उसके जिमनास्ट टीचर थी उसको लेकर के वो स्विमिंग पूल गई और वहाँ पे उसने उसका ध्यान ही नहीं दिया और इसी वजह से हमारा बच्चा डूब कर गया। कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है, हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन, हमें तो आज तक 1 महीने बाद ये भी नहीं पता लगा कि हमारे बच्चे को हुआ क्या था, कैसा वो गिर गया वहाँ जाकर, क्यों उसका ध्यान क्यों नहीं दिया गया उस बच्चे के ऊपर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।